अब कौन आ गया यार? शाम, मैंने जरा चिकन गैस पे रखा है, तू देख ले यार कहीं जल ना जाए। मैं दरवाजे पे देख रहा हूँ कौन है। हाँ देख ले, मैं आ रहा हूँ। अरे भाभी जी आप कैसे हो? मैं कैसी हूँ तुमको मैं बात बताऊंगी, पहले अपना भोजन बिस्तर उठाओ और निकलो मेरे घर से। अरे भाभी जी ऐसा क्या हो गया, इतना नाराज क्यों हो रही हो? मुंह बंद रखो अपना, ये पकड़ो अपने आधे महीने का किराया और घर खाली करो मेरा। अरे भाभी जी ऐसा क्या कर दिया हमने जो इतना भड़क रही हो आप? मैंने तुम्हें रूम देने से पहले क्या कहा था, इस घर में क्या नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? चिकन जो तुम्हारे घर में बन रहा है, खुशबू आ रही है मुझे। क्या बात कर रही हो भाभी जी, तौबा तौबा तौबा, हमने कभी चिकन बनाया ही नहीं है, हम शुद्ध शाकाहारी हैं भाभी जी। बस बस ये ड्रामा ना कहीं और जाके करना, तुम्हारा वो दोस्त है दूसरा नमूना, बुलाओ उसको। अरे भाभी जी क्या बात हो गई, क्यों गरम हो रही हो? गरम गरम तुम बनाओ और मुझे कह रहे मैं गरम हो रही हूँ? भाभी जी को सब कुछ पता चल चुका है कि हमने किचन में क्या बनाया है। क्या बनाते? मैं बताती हूँ, तुमसे मैंने क्या कहा था घर में चिकन नहीं बनेगा, फिर तुम क्यों बना रहे हो? अब भाभी जी भांग खा ली क्या रात में? किसने बोल दिया, हम तो शुद्ध शाकाहारी हैं, हमने तो आज तक मुर्गा नहीं देखा, चिकन बनाना तो बहुत दूर की बात है। फिर ये महक कहाँ से आ रही है? महक तो 2 घंटे पहले चली गई भाभी। क्या कहा तुमने? वो महक बराबर वाले फ्लैट से आ रही होगी, यहाँ तो दिन भर मांस मच्छी खाते रहते हैं लोग। भाई रहने दे, सारी पोल पट्टी खुल चुकी है। भाभी जी बहुत गलत बात है, हम भी किराएदार हैं, हमारे भी अधिकार है, आपके पास क्या सबूत हम चिकन बना रहे हैं? जो आप हमारे सीने पर चढ़ के बोल रही हो घर से बाहर निकलो, नहीं जाएंगे हम। मेरी बिल्ली मुझे मियाँ, ये पकड़ो पैसे और घर खाली करो मेरा। अरे भाभी जी क्यों भड़क रही हो, आपको भरोसा नहीं है ना? नहीं है ना भरोसा? क्या आपको लग रहा है हम चिकन बना रहे हैं? चलो मेरे साथ आओ। हाथ छोड़ो मेरा, राम राम राम, मुझे मार दिखा के मेरा धर्मभ्रष्ट कराएगा, मुझे मार बच्ची नहीं देखनी। आप यही रुको, मैं लेके आता हूँ कि मैं क्या बना रहा हूँ किचन के अंदर। लो भाभी जी देखो, ये तो तरी है। वही तो भाभी जी, इतनी देर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अरे तरी खा रहे हैं हम लोग, तरी, कोई चिकन नहीं है, चाप बना रहे थे। क्या चाप बना रहे थे? लेकिन इसमें तो चाप है ही नहीं। क्या करें, सारे पैसे तो आप ले लेती हो महीने की शुरुआत में किराए के नाम पे, चाप के पैसे ही नहीं है, खाली तरी बना के पी रहे हैं और सोच रहे हैं कि चाप हमारे मुंह के अंदर है। मैथ के स्टूडेंट है ना, तो मान लिया चाप खा रहे। लेकिन तुम्हारे यहाँ से मुझे मांस की महक आ रही थी, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अरे भाभी जी वो महक तो आपको इस गधे की वजह से आ रही थी, इसको मैंने बोला चाप मसाला ले आओ, इसे पता नहीं कहाँ से चिकन मसाला उठा लाया, मसाले की समझ तो है नहीं इसे। अच्छा चिकन मसाला ले आया तभी मुझे महक आ रही थी। भैया मुझे माफ कर दो, गलती तो गलती होती है ना। अरे भाभी जी अब माफी मांगने का क्या फायदा, पूरी बिल्डिंग के सामने तो आपने हमें बदनाम कर दिया, सब लोग हमें गलत समझ रहे होंगे। अरे मैं उन सबको बता दूंगी वो मैंने गलती करी है, सॉरी। नहीं नहीं भाभी जी, आप हमारी भाभी नहीं हो, आप तो हमारी बड़ी दीदी हो, आप जो चाहो वो मान लो। अब बड़ी बहन मान ही लिया है तो लाओ 300 रुपए निकालो। 300 रुपए वो किस लिए? अब खाली तरी बची है, आपके पैसे से चाप लाकर पेट भर लेंगे, दे दो ना दीदी। लेकिन मेरे पास अभी खुले तो है नहीं, 500 का नोट है। तो कोई बात नहीं, 500 का दे दो, अगली बार मैं वापस कर दूंगा। एक शर्त पे। कैसी शर्त भाभी जी? अगर तुम मुझे भी चाप खिलाओगे तो। अरे पक्का पक्का खिलाएंगे, फोन कर दूंगा आपको। ठीक है ये लो। अपनी कद्दू की क्या? हाँ हाँ बस बनने दो भाभी जी, फोन कर दूंगा आप आ जाना। ध्यान से फोन करना, सारे चट मत कर जाना अकेले। नहीं नहीं भाभी जी आपको कैसे भूल सकते, जरूर फोन करूंगा पक्का। ठीक है चलती हूँ, नमस्ते। अच्छा जी नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। साले कमीने, चिकन कहाँ है? कौन सा चिकन? अरे मैंने तो आज तक चिकन देखा ही नहीं, शुद्ध शाकाहारी लोगों से गंदी बातें मत करा करो। अच्छा तो ये फ्राई पैन में से चिकन क्या हवा में उड़ गया? साले अच्छा हुआ खा लिया, अगर भाभी जी के हाथ लग जाता ना तो रोड किनारे नाली वाला चिकन खा रहा होता तू। अब वैसे भी भाभी जी ने दिए ना अभी 500 का नोट, मस्त तेरे को अफगानी चाप खिलाएगा भाई तेरा। तेरे को चाप खिलाता हूँ तेरी। भाभी जी बचाओ।